मलाइका, मैं कुछ उस जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? ओके। अच्छा, एक एक जरूरी बात करनी थी। बोलो बोलो बोलो। मुझे भी वो जरूरी बात सुननी। सारी चमचा देख रहे हैं हम, सारे सब जने मिलके थाने में हमें बैंड बजा रहे हैं। दरोगा साहब, ये बोल का पैसे देख ना, थमे तो बैठे ना, बोल का रहो, मर ये रख दी। मैं बीच बीच में आके कुल्फी देता रहूंगा। वो ये हम कह रहे हमारी सेवा में लगू रहे, देख का है हम बताए, जीवन में सारू मामलो ले जाकर न पड़ जाते हुए, लोग सारे समझते ही नहीं है, उमर ये करते हूँ गोरगन में बास है ना मामला, आपस में सेट कर तू ले। और सुन, तू हमारे ऊपर टेम टू टेम ऐसे चढ़ावा चढ़ा तो रहे, और बीच बीच में अपनी केसर पिस्ता कुल्फी खिला तो रहे, तू हमाओ देख हम तेरों देखेंगे, मामला सेट हो जाएगा। कैसी कही? मैं कुछ समझा नहीं। अरे हम कहने को मतलब है तू हमाओ देख हम तेरों देखेंगे, आपस में दो जने कौश पैसे टाइम पर पहुँचा तो रही है। दरोगा साहब, आपके आंखों में कुछ गया क्या? जरा मेरी तरफ देखिए। हाँ, वो तो हमें भी लग रहा हूँ, काफ़ी देर से किर किरा रही, देख कारू कारू है का? नहीं कुछ भी नहीं। तो क्या फ्री फंड में टाइम बर्बाद कर लूँ? या फिर अपनी दुकान देख। रोक, अब क्या होगा पापा, क्या रोक लो? ऐसे बेटा मुंह खुला के स्कूल जानो ठीक बात नहीं है। पापा जो बोल रहे हो जल्दी बोल दो, हमें लेट है रही। समझ रहे समझ रहे समझ रहे, अब तक नाराज हो ना बाप से, हमने तनक ज्यादा कड़क कड़क भाषा में तुमसे बात करी, डांट डपट दू ना तुम्हें, बुरू लग गो। हाँ तो हम भी क्या ही बोले, आपकी आदत है और हम बच्चे हैं, हमें तो सुनना ही पड़ेगा। अरे ना, हमने बाद में सोचो, हमने आत्म मंथन जब करो तो हमें बुरू लगो, खुद में अपने आप में बुरू लग रहा हूँ, तो भूल जाओ सब भूल जाओ। अब जो बताओ, पैसा चाहिए है ना? हम ला के दे रहे। थैंक यू बाबा। जिगर की टुकड़ा हो तुम, हो रहे आखन की तारी। पापा मेरी जान। हाँ अभी लेके आई। चारू जहाँ तक हमें याद है हमने पूरी 5,000 रुपये रखी थी, कौन ने हाथ साफ कर दो? और अगर हाथ साफ कर दो तो इतनी पैसा कम काई है जितने रणबीर को चाहिए? चोर हो तो चारू पूरू ले जा तू। ए दी के लट, हमने पैसा नहीं देते, तूने चोरी कर ली घर में। पापा वो कौन सी पैसा है? मैंने कछु ना चुराओ। चुप कर। अरे आप झूठो इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। अरे पापा रणबीर भैया झूठ बोल सकते हैं, पैसे इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन चोरी नहीं कर सकते। चुप कर चमगादड़। अरे चुप करो तुम, तुमको पता है ना तेरे सामने 500 रुपया मांग रहा हूँ तो, और तिजोरी से भी बिल्कुल सेम टू सेम 500 रुपया गायब भाई, जो चमत्कार कैसे होगा? अफवाह, तू रणबीर पे काहे चिल्ला रहा है? तुम चुप रहो अम्मा 2 मिनट। जो हमसे 500 रुपया मांग रहा हूँ तू, बोलू पापा पॉकेट मनी पे हमें 500 रुपया दे दू, और हमने चलो मना भी कर दी तो जो सारो जहर कट पोतर जाओ, बाप के घर ही में चोरी कर रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हैं तुम? ऐसा है रणबीर चोरी नहीं कर सकते है, गलत फहमी भाई है तुम्हें कछु। कौन हूँ गलत फहमी? नहीं भाई, हमने अपनी आंख ने जार गिन गए, ऐसे हाथ से पैसा धरे उड़ के चले गए, का पैसा कैसे गायब हो गए? अरे बाबा मुझसे पूछ रहा, मुझे पता है रणबीर भैया 1 रुपया भी नहीं ले सकते। तुम चुप कर, 1 रुपया नहीं ले बेटा,
चुपचाप सच बता दे, नहीं तो अब तलाशी दे। हपुआ, तू अपने बच्चन की तलाशी लेगो? हाँ लेंगे। अरे बाप दरोगा है, यही करने पड़ेगो अब। अगर लौंडा लपाड़ी जी हरकतें घर में करेंगे तो बाप को भी फिर यही करने पड़ेगो। तलाशी दे, ले लियो तलाशी। मेरा कमरा भी छान मारो, मुंह को अच्छे से छान मारो, और अगर कछु मिल जाए तो बताइयो पापा, कछु नहीं मिलेगा आपको। बड़ो कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूँ बेटा, जो बाप के सामने ऐसे शाहरुख खान बन रहा हूँ है ना, तेरो बाप भी दरोगा है का समझ रहा हूँ? ऐसे करके जो कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूँ, जाको मतलब हमें साफ पता पैसा घुइया है तो नहीं है, और पैसा कहाँ है हम बता रहे। अरे क्या कर रहे हो? अरे जम्बा देख रहे हो, तुम्हारी लाल की ना खुपड़िया घूम गई है। उल्लू बना रहा हूँ। दरोगा जी, अंदर खड़ो सीधो। मानते क्यों नहीं है रणवीर भैया, चोरी नहीं कर सकते। अरे बेटा हमें पतो है, जहाँ नहीं पतो तुम्हारे पापा को क्या होगा? वह बताओ रहो। कौन सो पहली बार देखो, इतो सो अतो तब से देख रहे। ठीक है ना यार, नहीं तुम आओ मैं। जो तो क्लियर हो गो कि जो लौंडा ने हाथ साफ नहीं करो। मैडम ये है सारी पेंडिंग केस फाइल्स। मैडम अगर आप काम करके थक गई हो तो क्या मैं आपके लिए ब्लैक कॉफी लेकर आऊं? जस्ट द वे यू लाइक। मनोहर ब्लैक कॉफी छोड़ के ना, ये इतने सारे पेंडिंग केस पड़े, कभी इन पे भी ध्यान दे लिया होता। मनोहर हमने सारे तोते कितनी बार कही, काउ को भी काम करती टाइम ना डिस्टर्ब ना करो कर। तुमको हमारा नेचर पता है ना, हम जब काम में घुसते हैं ना तो फोकट उठो है काम पे, खाने पीने की स्वाद नहीं रहती, होश ही नहीं रहता। इसीलिए इतने सारे केस पेंडिंग पड़े। हमारा हमेशा काम पे फोकट रहता है, हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, दिखावा हमारे अंदर है ही नहीं है। छोटा मैडम, मैडम मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। एक सेकंड ठहर जा, ठहर जा। ऐसो का मतलब आप हटा गई, तू बिल्कुल सीधो सीधो चलो आ रहा, वो लटको बर्बाद हो गो। तेरी बीबी हमेशा के लाने मायके चली गई का? एक्सक्यूज मी सर, सर अगर इसकी बीबी मायके चली गई होती तो ये इतना परेशान नहीं होता, जरूर इसकी बीबी भाग गई होगी। मिस्टर पहले तो अपना नाम बता और बाद में बता दिक्कत क्या है। मैडम मैं पूरी बात बताता हूँ, मेरा नाम है प्राण गुप्ता, मेरी बीबी अंजू ने मेरे पड़ोसी पप्पू नाथ को चूम लिया। पप्पू तो लकी है, यह तो बहुत बुरी बात है, अफेयर को चक्कर लग रहे हो हमें। तुम ये काम करो, तुम अपनी बीबी को दे दो तलाक, केस खत्म। नहीं नहीं पूरी बात तो सुनिए, दरअसल सुबह ऑफिस जाते वक्त अंजू मुझे बाय बाय और किस करने के लिए आई, जैसे सारी पत्नी अपने पति को करने के लिए आती, उसी वक्त पप्पू नाथ भी बाहर आ गया। ओके। अंजू पप्पू नाथ की तरफ दौड़ी और मेरी जगह उसे। और कितना आगे जाएगा, बताया तो दिया उसकी बीवी ने किसी और को चूम लिया, आते ही बताया था उसने। ना हम तो केस
गहराई से समझ रहे थे, हम कहने को जो मतलब है कि पप्पू में ऐसे कौन से चुंबक लगे हुए। वही तो, मेरी जगह उसे चूम लिया। तो आंखें बंद कर लेते तो इतना दुख नहीं होता। हाँ आ... तू टेंशन न ली, हम समझ गए केस। एक काम करते हैं, हम तेरी बीबी को और पप्पू को साथ में लाते हैं थाने और दोनों को अंदर कर देती हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अंजू को आप कुछ मत करिएगा, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन पप्पू को ना आप लोग अपनी भाषा में जरूर समझाइएगा। दरोगा पप्पू सिंह, एक काम कर रही हो, केस ना मतलब ना दे रही, अच्छे से छानबीन करके प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लिए, नहीं तो पता है ना क्या होगा। मैडम मुझे अच्छे से याद है, मैं तो उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। याद ही भोजा करो का सारी पजामा में रहू करे, ऐसे केस हमारे लाने चुटकी बजाते सॉल्व होती हैं, सोते सोते हल कर दें, हल्के में ले रहो का हमें। तू जा घरे, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जा, हम अबे पप्पू को तो बोझ के लाएंगे और बिल्कुल शुद्ध कर देंगे, जीवन में फिर कष्ट ही कष्ट दूर है, ठीक है? तू बिल्कुल निश्चिंत समझ गो ना, बीबी पे फोकस कर, घरे जा, तू बीबी पे फोकस कर, हम पप्पू पे फोकस करेंगे, केस पे फोकस, केस खत्म, समझ गो ना? समझ तो, निश्चिंत हो जाना, बाद में तेरू मन करे तो फिर मिठाई को डब्बा ले आइए, वो तक देख रू जा फटाफट। नेक्स्ट जा मारो। ना ना आज पानी नहीं, नीट पियेंगे। का चुंगला लैसा कौन से कांड कर बैठे हो जो आज एकदम नीट पियो भैया, लो पियो। पूरा पूरा घर सब मिलके नाराज है हमसे, सबको लगता है हम गलत आदमी है, जो कर रहे गलत कर रहे, कोई हमें नहीं समझतो। देखो चुंगला अक्सर जो है ना तुम ही गलत होते हो, ये तो सत्य है। बहरहाल अभी तुम पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के बताओ, हम समझेंगे, उसके बाद हम जो है ना जजमेंटल होके बता पाएंगे कि तुम गलत हो कि तुम। कछु ना बता, पहली बात तो वकील है, वकील बन के रहे, ज्यादा जज ना बन। हम बताएंगे, हम जो करेंगे गुइया लसुन। अबे चिरकू सुनो, एक कामयाब वकील है जो है ना आगे जाके एक सफल जज बनता है। करेक्ट, लेकिन एक कामयाब वकील, तेरो तो कामयाबी से सारे दूर दूर तक लेनू देनू नहीं है। बात कर रहा सॉरी बोलो, मैं पहले सॉरी बोलो। हाँ सॉरी ले मर। हाँ बोलो क्या है, तब हम बताएंगे, उस खोल के तो बोलो क्या मैटर। आज हमने जीवन में पहली बार अपने लौंडा रणवीर की तलाशी ली बाथरूम में, गलत का है बता? नहीं ये तो गलत नहीं है, यही हम कह रहे, समझ नहीं रहे सारे, ये पाप है चुमूलाल, ये पाप है, अपने ही बच्चे के ऊपर शक कर रहे, छी फू गुनिया पाप है। तू ज्यादा चौधरी बन रहो सारे, उनकी साइड ले रहो, कप आप तिजोरी से फटाफट पैसा गायब हो रहे। अच्छा जितने लौंडा मांग रहे उतने गायब हो रहे, शक कौन पे जाएगो, लौंडा पे जाएगो ना। अरे चोमूलाल तुम ना इसे भुलक्कर प्राणी हो, यहाँ वहाँ खुदाई जो है रख के भूल गए होगे जेब में और उल्टा तुम बच्ची को ऊपर शक कर। छी यार तू गलत है, दरोगा पप्पू सिंह खानो भूल सकते है, जो टिकानो भूल सकते है, लेकिन पैसा के मामले में अबे न्योछावर एक एक दांत से पकड़ते हैं पैसा, तब जाके इतना जोड़ पाए नौ नौ टक्के, पैसे के मामले में हम बिल्कुल संट रहते हैं। और तू एक बात समझ, पुलिस वाले के घर में कौन आएगा चोरी करने, बाहर वाले की तो हिम्मत नहीं है, हिम्मत कौन की है, सारे घर ही में पल रहे ना, डर नहीं है ना सारन के घर ही ने। ऐसा है चोमूलाल, डर तो तुम्हारे क्षेत्र में भी किसी चोर को नहीं है तुमसे। कहाँ है कि हम बता रहे हैं, चोर हमसे डरते ही नहीं है। अरे पूरा रिपोर्ट उठा के देख लो, सबसे ज्यादा चोरी तुम्हारे ही क्षेत्र में होती है, बोलो हाँ। बट हमें बुरू लगो, अब तू सॉरी बोल। नहीं बोलेंगे, कहे सच चाहिए। समझ नहीं रहे मामले की गंभीरता, नहीं समझ रहे हो, अब भी सारे धीगे लटे बगावत पे उतर आई ना बाप से, कोई बात नहीं हम देख लेंगे, हमने तो थाने में ऐसी ड्यूटी नहीं करी बेटा, करन दियो बाको, बाप ही देखना बाको एक बार गर्दन दबोचेगो, कर ले जितनी होशियारी करने बाप से, तू देखिए तू कड़क बना। हाँ देखेंगे हम सब देखेंगे बेटा, भविष्य बताएगा कि कौन चोर है।
इतनी रात को कहाँ भटकती आत्मा सी घूम रही? मैं पानी पीने गई थी। क्यों, क्या हुआ? क्यों को, अब एक कारण पता चल जाएगा। दो मिनट रुक। बाबा मुझे नींद आ रही है, जाने दो ना। अरे रुक जा, दो घंटे दिन भर उल्लू की तरह जागते रहते हैं, नींद आ रही है, पहाड़ खोद रहे हैं सारे। अरे बित्ता भर की बिटिया कांड कर गई। अब मैं जाऊं? मुइया जाएगी अबे। अब बिल्कुल दो मिनट रुक जा। रज्जो बाहर आओ। मैंने क्या किया? कहाँ है? चल जाएगा। शैतान की नानी। इतने आओ तुम। कहाँ होगा? और तुम इतने कहाँ खड़ी हो? स्कूल नहीं जाना तुम्हें? हाँ हाँ, काय खड़ी वही के लाने हैं, बता रहे। पता चल जाएगा ना, जा। काय खड़ी काय नहीं खड़ी, दंग रह जाओगी। तुम मध्य रात्रि में कहाँ पहेलियाँ बुझा रहे हो? अरे मेरे पापा ने बिन बात के मुझे यहाँ पे खड़ा कर रखा है, पता नहीं क्यों। अच्छा बगैर पता नहीं क्यों। अबे हमने तिजोरी चेक करी और जब बिल्कुल वही गेट से बाहर आ रही थी, हमें तनक शक हो पहली, हम सारू देखन गए, पैसा गायब। आप पूछो क्या कर रही थी, कहाँ है पैसे, कहाँ है? एक मिनट, होश में तो तुम कान शन बक रहे हो? तुम ये कहना चाह रहे कि चमची ने पैसे चुराए? बिल्कुल जमे का शक है। दरोगा के घर में सारू चोरी हो रही है, मेरी नाक कट रही है, पैसा रपा रप गायब हो रहे हैं, तलाशी लो जाकी। पापा आप बेफालतू की बात कर रहे हो, मैंने कोई चोरी नहीं की है यार। अबे पता चल जाएगा ना, तलाशी के नाम पे इतना कपकपा काहे रही? अरे तुम तलाशी ले रही कि हम शुरू हो जाएं? तलाशी लो जाकी। ऐसा है दरोगा जी, तुम्हारी तसल्ली के खातिर ना ले लेते हम तलाशी, और अगर कछु नहीं मिलो ना फिर देखना तुम्हारी तलाशी लेंगे हम। ले लियो, ले अच्छे से खंगालो। गलत बात है, गलत बात है। चलो पैसा गायब कर रहे हो सारे, और वो गलत बात नहीं है। नहीं लग रहा हूँ हम पगला है, मैं कुत्ता ना काटू। और सारे पैसा गायब हो रहे हैं ऐसे, ये गिलाने पैदा करी थी का जी। नो ठैया, कितने मिले? 50 करोड़। एक चवन्नी ना मिली, ठीक है? फालतू में बच्चन पे ना शक नहीं किया करो। नहीं मिली फिर सारू कौन धीगो लट है जो तिजोरी साफ कर रहा हो? समझालो, पापा लाइन क्रॉस कर रहे हैं, सुबह रणबीर भी और अब मैं। अरे बेटा शांत रहो, तुम्हें स्कूल जाना है ना, जाओ सो जाओ, जाओ इनकी तलाशी तो हम लेते हैं। अरे अब क्या फायदा, पूरी नींद खराब कर दी मेरी। अरे जाओ जाओ जाओ। मुझे क्यों बुलाया? तेरी आरती उतारने के लाने। दरोगा साहब बकवास कहीं और पेलिए का जाके, साफ साफ बोलिए मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे। अरे तो साफ ही साफ तो बोल ले, जो बता तेरू नाम पप्पू नाथ है। हाँ है, कोई दिक्कत? दिक्कत तो धी के लट तू दे रहा हो, वो भी सगे पड़ोसियों को, और बहस कर रहा हो बेफालतू की। जो बता तेरे में ऐसे कौन से चुंबक लगे, जाकी पत्नी तो कोई काय चूम रही। मेरा नाम अंजू है। मैं इस गुप्ता की लुगाई हूँ। अरे तुम तो मुझसे काय पूछ रहे हैं ये सवाल? देखा दरोगा साहब कैसे मेरी दुखती रख पर नाच रहा है ये। कोई शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, हम बोल रहे ना। तेरी सुन कौन रहा है? हमने सुन ली। देख बेटा ऐसा है पप्पू, हमें पप्पू बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें जो बता ऐसा का है, मतलब कर आए तो फैलो जा की बीवी आस पड़ोस मोहल्ला सब कछु छोड़ के घूम फिर के तेरे ही पास आ रही हो, तो कोई पप्पी दे रही काय दे रही भैया? अरे तो ये सवाल इनकी बीवी से पूछिए ना जाके, आप मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? पता नहीं कैसे कैसे फालतू लोगों की पुलिस में भर्ती मिल जाती है, तफ्तीश करनी तक नहीं आती, किसने चूमा, किसको चूमा, कैसे चूमा, कहाँ चूमा, क्यों चूमा, ऊपर तक कंप्लेन करूंगा आपकी। अरे यार तुम शांत हो जाओ, तुम समझ नहीं रहे जी, सवाल जवाब कर लूं, हमारा काम हमें जरूरी है, केस की तह तक जाने ना, तभी तो पता चलेगा चूमा चाटी काय चल रही। सुनो ठंडे हो जाओ, ए जाको तनक ठंडो पानी दे, शांत हो जाओ। गुस्सा लिया लिया बेटा लिया, ठंडी सांस लो। Take it easy, bro. चलो मारो। हमारा जो कहने को मतलब है कि गुस्सा सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। गुस्सा तो मुझे आना चाहिए दरोगा साहब,
मेरे होते हुए मेरी बीवी इस घटिया आदमी को चुमा। अरे बात तो इनकी सही है। क्या सही है? ना मैं इनके घर गया ना मैंने इनकी बीवी को चूमा, मेरी क्या गलती है इसमें? जब आदमी सही है। दरोगा साहब कह तो सही हो। अरे मेरे साथ तो धोखा हुआ है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और आप दरोगा साहब आप इस लफंगे का साथ दे रहे हैं? ना ना ना, ना हमको को साथ नहीं दे रहे दादा, हम तो सिर्फ केस की तह तक जाने की कोशिश कर रहे। यस, फिर तो सर इस केस की जड़ को ही बुला मेरा मतलब इनकी मैडम को ही बुलाना पड़ेगा सर।